एक गांव में दो बहन खुशी खुशी रहा करती थी। वे दोनों एक दिन पानी लाने नदी के किनारे जा रही थी। तभी जाते जाते नदी के पास पहुंचती है तो कुछ ऐसा देखती है कि वह अचंभित रह जाती है। जब हम नदी किनारे पहुंचे तो वहाँ नदी से कुछ आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। और हम डर गए और हम वहाँ से चले आए। न जाने वहाँ पर क्या था। चलिए आप लोग यह देखिए, आखिर वह क्या है जो हमें डरा रहा था। हाँ बहन, ऐसी बात है। अच्छा ठीक है, हम सब जरूर जाएंगे और देखेंगे आखिर क्या बात है। और वह तीनों बिन विचार कर वह जाने लगे। और रास्ते में जाते 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 वह चलते गए, थक गए, फिर भी वह चलते ही गए। और चलते 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 वह थक चुके थे, फिर भी उन्हें पहुंचना था। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी कि बेटा बेटा मुझे बचाओ। तभी इधर उधर देखने के बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और वह आश्चर्यचकित हो जाता है। उस मजदूर से कहते, बेटा मुझे रक्षा करो, मुझे रक्षा करो। तो वह कहता है, क्या हुआ माँ जी, मुझे सब पेड़ आप सब काट कर जला रहे हो और मैं प्रदूषण के कारण खत्म हो रही हूँ, और तुम सब भी एक दिन मर जाओगे अगर हम मेरा अस्तित्व नहीं हुआ तो। तो आखिर माँ जी क्या हुआ। तब जब वह गायब हो जाता है तो वह आकर यह बात सभी गांव वालों को बताता है वीडियो कि अच्छा हमें लगा हो एक तो वीडियो जादुई को बुढ़िया लाइक मिली थी और सब्सक्राइब वह बोल रही थी जरूर कि मुझे करें। बचाओ, मुझे बगल बचाओ, में जो रक्षा रेड करो, का पेड़ बटन को है नहीं उसे काटो और मुझे दबाएं रक्षा और करो। मैजिक दरअसल देखें। वह एक गंगा माँ थी और गंदगी के कारण वह नष्ट हो रही थी और पेड़ कटने के कारण वह खत्म हो रही थी। इसीलिए हमें उसे रक्षा करना है। और यह कहकर वह सभी इसमें लग जाते हैं और पेड़ काटना और पानी को स्वच्छ करने में लग जाते हैं। तभी वह किसान आता है और उन बूढ़ी माँ को याद करता है। बूढ़ी माँ कहाँ हो, बूढ़ी माँ कहाँ हो, मैं आपका मेरे इंतजार कर चैनल रहा को हूँ, वह सब्सक्राइब मन में करें, बोलता है। वीडियो तैसे को ही लाइक बूढ़ी करें औरत प्रकट होती है और और बोलती वीडियो है, को शेयर क्या भी जरूर करें। और कुछ क्या हमने आपको आपका काम पूरा किया। हमने पेड़ कटाई धन्यवाद। बंद कर दी और पानी को स्वच्छ करने का फैसला किया। अब हम पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। यह बात सुनकर वह बहुत ही खुश हुई और बोली, बेटा आपका यह एहसान हम नहीं भूल पाएंगे। आप धन्य हो, आप जो भी मांगोगे हम आपको देंगे, आप अपनी इच्छा से कोई भी। तो वह किसान बोलता है, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दो वक्त की रोटी चाहिए। वह बूढ़ी प्रसन्न होकर बोलती है, बहुत अच्छा बेटा, आपने हमें दिल जीत लिया। और ऐसे ही बात होती रहती है और दोनों में अच्छी, वह बूढ़ी औरत वह कोई नहीं होती है बल्कि वह खुद गंगा मैया होती है, जो अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए वह किसान के
कहती है मुझे बचाओ, मेरा अस्तित्व ख़त्म होते जा रहा है। और यह प्रसन्न हो जाती है, और प्रसन्न होने के बाद उस किसान को बहुत ही ज़्यादा धन दौलत और उन सभी गांव वालों को खुश कर देती है। और वह बोलती है, माँ आपका काम मैंने पूरा किया, गंदगी मिटा दी, पेड़ काटना बंद कर दिया, आप कौन हैं मुझे दर्शन दें, आप कोई साधारण औरत नहीं लगती। तभी यह बूढ़ी औरत प्रसन्न हो चुकी होती है और अपना असली रूप में आती है। तब वह लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है और माँ बोलती है, वत्स मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं ऐसा किसान नहीं देखा, बस तुम क्या मांगना चाहते हो मांग लो। वह सोचते रह जाता है और उसे समझ नहीं आता, वह आश्चर्यचकित रह जाता है और वह नहीं कुछ मांग पाता और वहाँ से वह गायब हो जाता है गंगा मैया। तब वह आते हैं घर और गांव वालों को इन सभी घटनाओं के बारे में पूरी अच्छी से बात करता है और गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अब कहते हैं कि अब तुम सब जाओ और पानी पी सकते हो, वो भी एकदम अच्छी पानी, और जहाँ कभी सूखा हुआ जल था वहाँ सूख नदी सूख चुकी थी वहीं पर, और पानी का हड़ताल था वहाँ पर सभी लोग। और एक लड़की आती है और इच्छा करती है, माँ मुझे पानी चाहिए। तभी माँ को उस सब ने मदद की थी, इसलिए माँ ने उस सूखी नदी को पानी में बदल देती है और वहाँ पानी आ जाता है और वह सभी पानी पीते हैं। और वह जो उसके घर में एक औरत थी, वह खुद गंगा मैया का रूप ली हुई थी और उनसे मदद की गुहार लगा रही थी, क्योंकि उन्हें पर्यावरण को प्रदूषित करने से उनका नष्ट हो रहा था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।